केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज, हक सच और इंसाफ की आवाज। अपने मेयर कार्यकाल के दौरान शहर की जनता का दिल जीतने वाले पूर्व मेयर सुरेश सहगल एक बार फिर सुर्खियों में हैं। नगर निगम के अधिकारी ने पंगा कह लिया, पूर्व मेयर फिर से राजनीति में अपना झंडा बुलंद करने निकल पड़े। हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शहर में पहुंचे पूर्व मेयर सुरेश सहगल का लोगों ने भगत सिंह चौक में भव्य स्वागत किया। लोगों की प्रशंसा व खुद का स्वागत देखकर सुरेश सहगल भी गदगद नजर आ रहे थे। अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए सुरेश सहगल ने कहा कि उन्होंने कोई गलती नहीं की, वह जनता की लड़ाई लड़ रहे थे और भविष्य में भी वह जनता की लड़ाई लड़ते रहेंगे। नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है, हर मामले में जनता को परेशान किया जा रहा है और बिना रिश्वत के कोई काम नहीं हो रहा है, मगर वह जनता को उनका हक दिलाकर रहेंगे। जलंधर से रवि गिल और सुशील हंस की रिपोर्ट। जेड़ा शर्मा परिवार से पिछले दिन एक धक्का होया सीगा, जबकि उहदी अपनी जगह सीगी 3 फुट बाई 12 फुट नानकशाही उतार के बना रहा सीगा। जदों नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों ने उन्होंने आके परेशान किया, रिश्वत मंगी और उत्थे कल्ली लेडी सीगी घर, मेरे तो तीसरा घर सी उस ब्राह्मण परिवार का। उन्होंने फौरन जब मैं टैलीफोन करके बुलाया तो मैं उत्थे पहुँचया। मैं उस अधिकारी ने यही पूछया, जद थोड़े नोटिस का रिप्लाई दे बैठी है तो उन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है, तू अपने आई डी प्रूफ कर, छुट्टी वाले दिन तू आया कि नगर निगम का अधिकारी हैगा या कोई होर ही अधिकारी हैगा। 5,000 पहलों लै गए उस औरत को, 10,000 रुपये तुम होर डिमांड कर आ गए हैं, गरीब ब्राह्मण परिवार को क्यों परेशान कर रहे हो। जो गल चल रही सी इन्नी देर में वो आपो तो बाहर हो गया दिनेश जोशी, और जो मैनू भी अपशब्द बोलिया, तू बिचों की लैना देना पिछे हट, जबकि वो घर वाले कोल खड़े सके, बर्दाश्त नहीं होया। वो जो कहता कि थोड़ा जा सीनियर सिटीजन है, एक्स मेयर है, जरा प्यार ना बोलो अंकल जी, ऐसी कि गल हैगी कि माड़ी गल कहती थानू, इन्नी गल होंगी है तो इन्हों का तकरार लड़ाई झगड़ा हों, मैं इन्होंने हटाना। दिनेश जोशी जी के सके इंस्पैक्टर बिल्डिंग नगर निगम, तो जो हटाया वो मैं जरूर उन्होंने पुश करता पाया है, मेरा वीडियो हैगा, मैं डिनाइड नहीं कर सकता। लेकिन एडा वड्डा दोष लगाता मेरे ते भी, ब्राह्मण परिवार ते भी, और उसने भी ये बारे कोई इंक्वायरी नहीं की, कोई इन्वेस्टिगेटिंग नहीं की, विदाउट एनी इन्वेस्टिगेटिंग एक वीडियो वायरल से ही साढ़े ते एडा वड्डा परचा करता। मैं अपने प्रशासन को पूछना चाहना, क्या इदा ही यूनियन इकट्ठिया होकर थानू प्रेसराइज करके इदा ही धक्का करूंगियाँ, क्या ऐसे जड़ी घटिया राजनीति दी रोटियां सेकते पे है उन्होंने शैल्टर दे के ऐसे गरीब परिवारों परेशान करनगियां। माननीय स्वर्गीय गगनेजा जी, उन्हें तो देखो उन्हें दे बारे कौन नहीं जानता, सारा हिंदुस्तान जानता। ये टाइम तो देखो गोलियां चलिया सगिया, होम मिनिस्टर माननीय राजनाथ सिंह जी ने आना पै गया सगा, उहदे ते अज तक किसी दोषी नूं पकड़िया नहीं गया। ब्राह्मण परिवार नूं ते मेरे परिवार नूं इन्हां ने 20 दिन वास्ते जो परेशान किया, मेरे ख्याल सारा जलंधर जानता, कोई ऐसी गल नहीं, मैं कोई परेशान नहीं होया। मैं हमेशा ही जिहड़ा भी कोई है इंसाफ रिश्वतखोरां दे खिलाफ रहा और रहूँगा, जिहड़ा भी कोई औरत हाथ उठाऊगा उहदा जवाब जिहड़ा हैगा वा मैं हमेशा ही दूंगा और दिंदा रहूँगा। तुसीं विजिलेंस दी मदद क्यों नहीं लई? असी टाइमली हर प्रशासन नूं अपनी एप्लीकेशन फाइल करतियाँ, बकायदा साढ़े कोल उस दिन दे प्रूफ हैगे है, डायरी हुई लैटर हैगिया, लेकिन अज 20 दिन हुंदे हैगे है, उहदे खिलाफ अज तक प्रशासन ने कोई भी एक्शन नहीं लिता। चलो ठीक है साडा वीडियो वायरल हो गया, लेकिन रिश्वत जी 5,000 लै जाता, 10,000 होर मंगन आ जाता है, उहदे बारे उहदे ते भी कम से कम
एक FIR बनती सी जिहड़ी कि रजनी शर्मा ने विद एफीडेविट फाइल किया होया है पुलिस कमिश्नर नू नगर निगम कमिश्नर नू और मेयर नगर निगम नू। अज की डेट से कोई सुनवाई नहीं हो रही हैगी वह कि इन्होंने बंद टोकरी के बीच सुटती हैगी है तो सानू एक वन साइडर फैसला करके। देश विदेश और अपने शहर की लोकल खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को जरूर दबाएं। आपका मनपसंद न्यूज़ चैनल KPD न्यूज़ हक सच और इंसाफ की आवाज़ आपको रखे सबसे आगे।